सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे काफी इस टाइप की फोटो एडिटिंग। अगर आप लोगों को भी इस टाइप की एडिटिंग सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और हमने जो है सिर्फ ओनली सनसेट के यूज करके ऐसा फोटो एडिटिंग किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप भी ऐसा एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये हम नॉर्मल फोटो, तो सबसे पहले इस नॉर्मल फोटो जो है अपने सनसेट एप्लीकेशन में पहले शेयर कर लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सनसेट में आने के बाद पहले जो है आपको टूल्स पर जाना होगा। एंड जो आपको सबसे पहले यह जो आपको क्लीन ब्लर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्लीन ब्लर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर देना होगा, ठीक है। हमारे फोटो पर सबसे पहले ब्लर देना है, तो इस तरह से जो हम इसको पहले छोटा कर लेंगे और इस ऐसे जो अपने इसको रख देंगे और इस तरह से जो इसका ब्लर रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं जितने ब्लर चाहिए मैं उतना रख देता हूँ, और अपने हिसाब से आप ब्लर रख सकते हो। तो मैं इस तरह से ब्लर रख देता हूँ, एंड जो हमें इस तरह से इसको डन कर देना होगा, ठीक है। इसको डन कर देते हैं, और हमारा होने के बाद जो है सबसे पहले हमें जाने पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, एंड आपको यहाँ पर जो आपको व्यू एडिट दिख रहा है ना यहाँ पर, तो व्यू एडिट पर पहले क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद जो आपको क्लीन ब्लर पर क्लिक कर देना है, एंड क्लीन ब्लर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। तो सबसे पहले जो है आपको इस तरह से जो आपको ब्लर दे देना है, ठीक है, अच्छे से सेलेक्ट करके, और इसको जो है आपको 100% रख देना है, ठीक है। इसको जो आपको 100% रख देना है, और इस तरह से जो आपको ब्लर दे देना है, तो हम जल्दी से ब्लर दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्लर देना जो है कम्प्लीट हो गया, तो हम सिंपली जो इसके ऐसे डन कर देंगे, ठीक है। और डन करने के बाद जो है हम इसको ऐसे बैक कर देंगे, और बैक करने के बाद जो है सबसे पहले हम पहले टूल्स पर जाएंगे, एंड हमें थोड़ा ऊपर जाना है, एंड हम टूल इमेज पर जाएंगे, ठीक है। करने बाद जो इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट को कम कर देना है, इसकी 6 इंच को जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरह से, इसकी MBS को भी इस तरह से बढ़ा देना है, ठीक है। इसके हाईलाइट्स को थोड़ा कम कर देंगे, एंड इसके शेड को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, शेड को बढ़ा देना है, एंड इसको ऐसे जो है डन कर देंगे, ठीक है। और डन करने के बाद जो है फिर से हम टूल्स पर जाएंगे, ऐसे जाएंगे टूल इमेज पर, ठीक है। और जो इसके 6 इंच है ना, 6 इंच को सॉफ्टन कम कर लेंगे, और इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट को बढ़ा देंगे, और इसके हाईलाइट्स को भी थोड़ा कम कर देंगे, एंड इसकी शेडो को कम कर देंगे, और इसकी एमबीएस को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देना है, और इसको ऐसे डन कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमें फिर से यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाएंगे और व्यू एडिट पर क्लिक कर लेंगे, और हमें फिर से टू इमेज पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो हमें इन्वाइट कर देना है, इन्वाइट करने देने के बाद ऐसी तरह से फोटो को जूम कर लेंगे, और इस फेस से जो है हमें कलर को हटा देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे हम इरेज कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और हमारे कंप्लीट होने के बाद जो है हम ऐसे इसको डन कर देंगे, और इसको ऐसे बैक कर देंगे, ठीक है। तो बैक करने के बाद जो है हमें फिर से टूल्स पर जाना होगा, एंड हमें फिर से टूल इमेज पर जाना होगा, और सबसे पहले हमें लास्ट पर जाना होगा। यहाँ से लास्ट पर जाने के बाद इसको जो है 100% कम कर लेंगे, ठीक है। 100% कम करने के साथ जो है आपको थोड़ा ऊपर जाना है, एंड इसकी शेडो को कम कर देना है, एंड इसकी हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। इसके एमबीएस को थोड़ा कम कर देंगे, एंड इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देना है, और इसको यहाँ से जो है हम और इसके जो सेशन है 6 इंच को भी बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको करने के बाद जो है हम इसको डन कर देंगे, ठीक है। और करने के बाद जो है अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर जाना है, एंड हमें व्यू एडिट पर जाना है, एंड हमें टू मिनट इमेज पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो है हमें इन्वाइट कर देना है, और इन्वाइट करने के बाद जो है इस तरह से फोटो को जूम कर लेना है, और फेस से जो है इसको हटा लेना है, ठीक है। इसको जो एकदम 0% रख लेना है, और कुछ इस तरह से जो इसको हटा लेना, ठीक है। तो हम हटा लेते जल्दी से, ठीक है। तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया, तो हम जो यहाँ से सिंपली इसको डन कर देंगे, ठीक है। और डन करने के बाद जो इसको यहाँ से फिर से बैक कर देंगे, और करने के बाद जो है फिर से टूल्स पर जाएंगे, एंड हमें जो है सिलेक्टिव पर जाना है यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ जो आपको सिलेक्टिव दिख रहा होगा, सिलेक्टिव पर जाएंगे,
एंड जो है हमें इस तरह से फोटो को जूम कर लेना है और फेस पर ऐसे दे देना है, ठीक है। इसी तरह से जो है फेस को थोड़ा व्हाइट कर देंगे और इसी तरह से जो हम अच्छी तरह से इसको लगा देंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके भी लाइक प्रेस कर दो और इसको जो है हम इसको डन कर देंगे। तो हमारे फोटो में क्वालिटी जो है एकदम नहीं है, तो हम फोटो में क्वालिटी लेंगे और क्वालिटी लाने के लिए हमें टूल्स पर जाना होगा एंड हमें जो है डिटेल्स पर जाना होगा और इस तरह से जो हम फोटो को क्वालिटी दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इसी तरह से जो है सनसेट की यूज़ करके जो है अपने बैकग्राउंड में इसी तरह टाइप की कलर्स दे सकते हो। तो आई बार को वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और अगर इससे अपने चैनल में पहले हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।